मैं मनीष प्रियदर्शी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। आज हम लोग नंबर सिस्टम का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। तो फर्स्ट सवाल यहाँ पे देखते हैं, 12 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। पहली बात है कि भाजक किसको कहते हैं यहाँ पे, तो भाजक को हिंदी इसका इंग्लिश आपका क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाता है। तो 12 के कुल भाजकों की संख्या आपको निकालनी है, तो वैसी संख्या जो 12 को डिवाइड कर दे, वैसी संख्या जो 12 को डिवाइड कर दे 12 का भाजक कहलाएगा। तो देखिए, तो 12 का कौन सा भाग, कौन कौन संख्या 12 को डिवाइड कर देता है, तो आपको पता है 12 को 1 तो डिवाइड करता है 12 को, 2 भी 6 बार में 12 कट जाएगा, 3 से भी 12 कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो 12 के कुल भाजक कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, यानी 12 के कुल भाजकों, कुल भाजकों की संख्या आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये जो सवाल आपको करवाए, ये सवाल कहीं भी किसी एग्जाम में आपका नहीं पूछेगा। इसको हम इस सवाल को बनाने का मेरा मेन रीजन जो है, आपको कंसेप्ट देना है। किससे कंसेप्ट देंगे, तो ये 12 बहुत छोटा सवाल है, 12 जो ये नंबर है बहुत ही छोटा नंबर है, तो यहाँ पे 12 नहीं पूछेगा एग्जाम में, जब पूछेगा तो इससे बड़ा नंबर पूछेगा। तो इससे हम ये क्वेश्चन लिए हैं बेस तैयार करने के लिए। तो देखिए, 12 का कितना कुल भाजक हो गया, 6। इसको देखिए, जो आपका एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो कंसेप्ट इसको कैसे तैयार करते हैं उसको देखिएगा। देखिए, 12 को क्या करना है आपको कि प्राइम फैक्टर में लिखना है, 12 को क्या करना है आपको प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो प्राइम फैक्टर में लिखने के लिए देखिए, 12 को पहले तोड़िए यहाँ पे, देखिए 2, 6 बार में, फिर 2, 3 बार में। 12 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का 1। प्राइम फैक्टराइजेशन में मतलब अभाज्य गुणनखंड में आपको क्या कर लेनी है, तोड़ लेनी है। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का 1। अब देखिए, कुल भाजकों की संख्या निकालनी है ना, तो देखिए इसका कैसे नियम है, ये देखिएगा, कुल भाजकों की संख्या, देखिए यहाँ पे क्या करिएगा कि देखिए पावर कितना यहाँ पे है, 2 दिया हुआ है, यहाँ पावर कितना दिया है, 1, कि 2 पावर में एक बढ़ जाएगा, अपने मन से एक बढ़ जाएगा, और यहाँ इस जो पावर आएगा वो पावर में भी एक, पावर एक है इसमें भी एक बढ़ा लीजिए, तो आपका क्या है, 2 प्लस 1 3 इंटू 1 प्लस 1 2, तो कितना हो गया आपका, 6 हो गया। तो ये जो फार्मूला कंसेप्ट बना है, इससे भी क्या आ जाएगा, 6 आ गया, और ऐसे भी क्या आ रहा था, यहाँ पे 6 आ रहा था, यानी कि 12 के कुल भाजक आपका कितना होता है, 6 होता है। तो बात दिमाग में आता है कि फिर ऐसे आप क्यों बनाए, तो ये कंसेप्ट इसी से तो कंसेप्ट तैयार होगा। कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसके कुल भाजकों की संख्या पूछेगा, तो पहले उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब, देखिए यहाँ पे 2 है अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होता है, फिर ये भी 3 भी अभाज्य संख्या है, तो ये पूरा क्या कर लीजिए, अभाज्य संख्या में तोड़ लीजिए, जो ये पावर हुआ उसमें एक बढ़ा लीजिएगा, ये पावर जो आएगा उसमें भी एक बढ़ा लीजिएगा, अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही कुल भाजकों की संख्या देगा। अब फर्स्ट सवाल से आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर देखिएगा, देखिए फर्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, 420 के कुल भाजकों की संख्या आपको ज्ञात करना है, 420 का कुल भाजक कितने होंगे। तो देखिए, जो मेथड बताया उसी मेथड से इसको आगे बढ़ेगा। तो देखिए मेथड क्या बताए थे, पहले क्या कर लेना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेना है। तो देखिए इसको तोड़ कर बताते हैं, 2 से लगाइए, कितना, 210, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 105, फिर 2 से लगाइए, 2 से फिर नहीं लगेगा जी, तो 3 से लगाइए, फिर लगाइए कितना, 5 से, तो 7 बार में चला जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ लीजिए, 420 को टूटा कैसे आपका, टूटा 2 का पावर, ये कितना आ गया, 2, 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। आपको क्या करना है कि कुल भाजकों की संख्या निकालनी है, कुल भाजकों की
संख्या, क्या बताए थे आपको, जो पावर होगा सब में एक पावर को क्या करना है, बहा लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पावर कितना है, दो, दो में एक बहा लीजिए, यहाँ तीनों में पावर वन वन है तो सब में एक एक बहा लीजिए, 2 + 1 = 3, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, तो 3 × 6 = 12 का आपका 24, तो कुल भाजकों की संख्या आपका कितना निकल गया, 24। तो जहाँ भी ऑप्शन 24 है वहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड सवाल से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सेकंड सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेकंड सवाल भी सेम टू सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। सेकंड सवाल कहता है यहाँ पे कि 544 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें जिसमें 544 शामिल ना हो। मतलब ऐसा भाजक निकालना है, देखिए कोई भी संख्या का दो भाजक तो होता है, एक वो संख्या एक से तो खुद ही कट जाता है और जो संख्या रहता है वो खुद से कट ही जाएगा। तो कह रहा है कि ऐसा भाजक की संख्या, भाजक आपको निकालनी है जिसमें आपका संख्या ज्ञात करें जिसमें 1 एवं 544 शामिल ना हो, मतलब दो को शामिल नहीं होना चाहिए। तो लास्ट में क्या करिएगा कि दो घटा लीजिएगा, कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए बताया था कैसे कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए 544 का, लगाइए 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 272, फिर 2 से लगाइएगा 136, फिर 2 से लगाइएगा ये आपका कितना हो जाएगा, 6 बार में, 8 बार में, फिर 2 से लगाइए तो ये आपका कितना हो जाएगा, कितने बार में, 2 से 17 बार में। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, ये देखिएगा 544 को लिखनी है तो आप 2 के पावर 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 के पावर 5 × 17 के पावर 1 ऐसा लिख दिया आप, ठीक है। अब कुल भाजकों की संख्या इसमें से निकाल लीजिए, कुल भाजकों की संख्या क्या बताया था कि जो पावर है उसमें एक क्या कर लेना है आपको, बढ़ा लेना है। पावर 5 है तो 5 + 1 हो जाएगा, ये 1 है तो इसमें 1 बढ़ा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 2, तो 6 × 2 आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो क्या आपका आंसर 12 होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे आपको कह रहा है कि 1 और 54 नहीं शामिल होना चाहिए, नहीं 544 शामिल ना हो। तो दो को क्या करना है, तो रिक्वायर्ड जो आंसर होगा आपका, रिक्वायर्ड आंसर आंसर तो 12 - 2, क्योंकि दो को शामिल नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कहाँ चला जाएगा, 10 पे चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर सवाल है यहाँ पे, 640 के 5 से बड़ा भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5 से बड़ा भाजक का क्या मतलब, कि देखिए 640 को तो 1 तो काट ही देगा, एक भाजक 1 हो जाएगा, 2 भी इसको डिवाइड कर देगा, एक भाजक 2 हो जाएगा, अगर 3 इसको नहीं कर पाएगा, 4 इसको कर देगा तो एक भाजक 4 भी हो गया, 5 भी इसको डिवाइड कर देगा, 5 भी एक भाजक हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है ना कि ऐसा भाजक जो 5 से बड़ा हो, तो बताइए 1, 2, 4 और 5, 4 को ऐसा भाजक इसको क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहला पहले हम बताएं आपको प्राइम, यहाँ पे टोटल भाजकों की संख्या निकालने के लिए पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में क्या कर लेंगे, आप तोड़ लीजिएगा, तोड़ लीजिए पहले 640 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 से 320, फिर 2 से लगाइए 160, फिर 2 से 80, 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, ये आपका कितना आ गया। इसका जब आप करेंगे तो 640 कितना पाँच कैसे टूट गया, 2 के पावर 1, 2, 3, 4, 5,
सिक्स सेवन, यानी कि टू के पावर सेवन इन टू फाइव के पावर वन हो जाएगा, ये हो गया आपका। अब देखिए कुल भाजकों की संख्या इससे निकल जाएगा। कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए पहले ही बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए कुल भाजकों की संख्या क्या करना है। जो पावर है उसमें एक बढ़ा देना है, सेवन प्लस वन इंटू वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा कितना, एट इंटू टू, यानी कितना, सिक्सटीन। लेकिन जो रिक्वायर्ड आंसर है वो सवाल पूछ रहा था कि ऐसा भाजक जो पाँच से बड़ा होना चाहिए, तो देखिए इसका एक भाजक एक होगा, दो होगा, चार होगा और एक पाँच हो जाएगा। ये चार को भाजक ऐसा है आपका जो पाँच से छोटा है या पाँच के बराबर है, लेकिन पाँच से बड़ा भाजक पूछ रहा है, तो रिक्वायर्ड आंसर जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आपका कितना हो जाएगा, सोलह माइनस चार, यानी कितना हो जाएगा, बारह। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बारह हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।